Non-Stop 100. पर्थ वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने 310 रनों का लक्ष्य, रोहित और कोहली की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 50 ओवर में बनाए 309 रन। 163 गेंदों पर 171 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे रोहित शर्मा, पारी में 13 चौके और 7 छक्के जड़े। विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित ने दूसरे विकेट के लिए जोड़े 207 रन, 91 रन बनाकर आउट हुए विराट कोहली। धवन और धोनी रहे कमाल करने में नाकाम, 9 रन बनाकर आउट हुए शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए 18 रन। टॉस जीतकर भारत ने किया था पहले बल्लेबाजी का फैसला, टीम में तेज गेंदबाज के रूप में डेब्यू कर रहे हैं सरन। एसपी सलविंदर के कुक मदन गोपाल और दोस्त राजेश वर्मा को आमने सामने बिठाकर रहना ये आज कर सकती है पूछताछ। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से आज भी एनआईए कर रही है पूछताछ। 8 घंटे की पूछताछ में कल कई सवालों पर अटके थे सलविंदर, आतंकियों की पहचान और खुद के फोन से पाकिस्तान में बात का नहीं सूझा सीधा जवाब। पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर इंटरपोल जारी करेगा ब्लैक कॉर्नर नोटिस, मकसद मारे गए आतंकियों की पहचान। पठानकोट में आतंकी हमले वाले घटनास्थल पर AK-47 की मैगजीन, मोबाइल फोन और दूरबीन भी मिली थी, सभी चीजों की बारीकी से हो रही है जांच। पठानकोट एयरबेस में आतंक के दाखिल होने के रास्ते पर बीएसएफ और एनआईए की जुदा राय, बीएसएफ के मुताबिक आतंकियों ने नहीं पार किया था बनियाल बॉर्डर। एनआईए को उम्मीद, पठानकोट हमले पर जल्द मिल सकते हैं बड़े सुराग, बनियाल बॉर्डर के आसपास सुरक्षा बलों की गहरी छानबीन। बीएसएफ का दावा, कोबरा लाइन पर लगी बाढ़ में रहता है 440 वोल्ट का करंट, यहां परिंदा भी नहीं मार सकता। पर बीएसएफ डीजी ने अमृतसर के डीआईजी को सौंपी जांच, आतंकी रास्ते के शक की वजह बनी है ये पुलिया, लेकिन बीएसएफ ने यहां भी कड़े पहरे का किया दावा। आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने खंगाला था बमियाल का चप्पा चप्पा, खेतों से जुटाए थे फुटप्रिंट। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर सुरक्षा में कहां कहां कमजोरी, एनआईए की टीम तैयार कर रही है इसका पूरा ब्यौरा। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकियों पर कार्रवाई से पहले पाकिस्तान से बात नहीं, आज तक से बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। डोवाल ने भारत पाक वार्ता की तारीख तय होने से भी किया इनकार, कहा विदेश सचिव मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं, अखबार में छपे इंटरव्यू का दिया क्या खड्डा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा पठानकोट हमले के बावजूद भारत और पाकिस्तान में बातचीत जारी रहनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी बीजेपी, मालदा से लौटा प्रतिनिधिमंडल आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से कर सकता है मुलाकात। बिहार में जितिन राम मांझी शुरू कर रहे हैं वाइन फॉर नीतीश कैबिनेट कैंपेन, 1 अप्रैल से होगी कैंपेन की शुरुआत। यूपी के बिजनौर में सास की पिटाई का खौफनाक वीडियो, घर में बहू ने की गला घोटकर मारने की कोशिश, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात, सास के गले में कपड़ा बांधकर जान लेने की कोशिश, गला घोटने के बाद बहू ने की वाटर हीटर से करंट लगाकर मारने की कोशिश, सास को थप्पड़ फूसों से बुरी तरह पीटा, सिर पर भी पत्थर से हमला। सास को पीटने वाली महिला कई बार पति से भी कर चुकी है मारपीट, कई सीसीटीवी के जरिए सामने आई घटना। जानलेवा हमले करने वाली बहू के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का केस दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के छावला में शिकारपुर गांव में डबल मर्डर, गैंग वॉर में मां बाप बेटे की हत्या का शक, कार से आए बदमाशों ने घर में घुसकर 45 साल के विनोद कुमारी गोली, प्लॉट में काम कर रहे 19 साल के बेटे कमल को भी मार डाला। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने की तीसरी मंजिल से गिरा युवक, चोरी का फोन इस्तेमाल करने के आरोप में पकड़ कर लाई थी पुलिस, परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया थाने में युवक को पीटने का आरोप, कहा पिटाई के दौरान ही थाने की तीसरी मंजिल से गिरा था युवक।
दिल्ली के सिद्धार्थ एक्सटेंशन के पास रास्ता बंद होने से बीती रात लोगों का हंगामा। बारापुला फ्लाईओवर के दूसरे फेज का काम शुरू होने से बंद किया गया था रास्ता। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर जागी दिल्ली सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ग्रीन टैक्स के नाम पर टोल प्लाजा पर घूस लेने वालों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेंगे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले मनीष सिसोदिया, केस दर्ज कर अवैध वसूली जब्त कराएंगे। ग्रीन टैक्स की चोरी पर आज तक ने किया था बड़ा खुलासा, घूस लेकर दिल्ली में ट्रकों की कराई जा रही है एंट्री। बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों को बधियाकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया सुझाव, बच्चों से रेप को फिर से परिभाषित करे संसद। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जमकर बरसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीएस बस्सी, विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर लगाई फटकार। गुरुवार को बस्सी ने बुलाई थी आला पुलिस अधिकारियों की बैठक, रिटायरमेंट से पहले नहीं छोड़ना चाहते कोई खामी, 26 जनवरी के बाद महकमे में बड़े बदलाव के संकेत। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 5 जिले के डिप्टी पुलिस कमिश्नर समेत कुछ युवा पुलिस अधिकारी हैं जांच के दायरे में, बस्सी ने दी चेतावनी। दिल्ली में मेयर और एमसीडी कर्मचारियों ने वेतन को लेकर निकाला विरोध मार्च, चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने की मांग। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नए डब्बों का किया निरीक्षण, नए डब्बों की रंगत बदलने के साथ यात्रियों के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर असमंजस बरकरार, महबूबा कब लेंगे सीएम पद की शपथ, अभी तय नहीं, विधायकों के साथ बैठक में महबूबा ने नहीं की सरकार गठन पर चर्चा। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद कल महबूबा मुफ्ती ने पहली बार ली पार्टी के विधायकों की बैठक, विधायकों को अपने इलाकों में और काम करने की दी नसीहत। राज्यपाल एनएन वोरा ने प्रशासनिक अधिकारियों के संघ की बैठक, सचिवों को दिया निर्देश, जल्द सुनिश्चित करें सार्वजनिक सेवा क्षेत्र की सुविधाओं का वितरण। मुंबई के असली हीरो दिवंगत रमेश वलुंज के घर सांत्वना देने पहुंचे उद्धव ठाकरे, समंदर में डूबती लड़कियों को बचाने में रमेश ने गवाही दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुनाया बड़ा फैसला, कहा कोई भी मंदिर या ट्रस्ट महिलाओं की एंट्री पर नहीं लगा सकता प्रतिबंध। केरल के शबरीमला मंदिर में महिलाओं पर प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, 10 साल पुरानी थी अर्जी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने थाने में छेड़खानी के 4 आरोपियों को सड़क पर झाड़ू लगाने की सुनाई सजा, अगले 6 महीने तक हर रविवार को पुलिस की निगरानी में लगाएंगे झाड़ू। सभी आरोपियों पर दशहरे के जुलूस में महिलाओं से छेड़खानी का था आरोप, केस खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट का लिया था सहारा। राम मंदिर निर्माण पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, शाम 4 बजे दिल्ली में होगी प्रेस वार्ता। जलीकुट्टी में सांडों को काबू में करने के लिए खेल से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस आर भानुमति ने खुद को सुनवाई से किया अलग। तमिलनाडु में सांडों को काबू करने की पारंपरिक स्पर्धा पर लगे प्रतिबंध को 7 जनवरी को केंद्र सरकार ने हटा लिया था, प्रतिबंध हटाने को लेकर कुछ लोग कर रहे थे उपवास। मदुरा में धूमधाम से हो रही है बुल फाइटिंग की तैयारी, सांडों का कराया जा रहा है अभ्यास, जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर। सरकारी विज्ञापनों से जुड़ी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड में कैंसर पीड़ित महिलाओं का होगा मुफ्त इलाज, रघुवर सरकार वहन करेगी इलाज का खर्चा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। गढ़वा के कार्यक्रम में बोले रमेश चंद्रवंशी, कैंसर पीड़ित तैयार हो रहा है कानून, 15 दिनों में हो जाएगा लागू। 26 जनवरी को मदरसों में तिरंगा फहराने के फरमान को मुस्लिम संगठनों ने बताया सियासी साजिश, कहा पहले से ऐसा ही होता रहा है इसे बताने की जरूरत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मदरसों को लिखी थी चिट्ठी, मुस्लिम संगठनों ने किया पलटवार, कहा चाल से आएबाज, राष्ट्रीयता सिखाने की जरूरत नहीं। गुलबर्गा पुलिस ने इस साल 1 किलो सोना, 33 किलो चांदी, 68 बाइक समेत 1,40,00,000 की रिकवरी की, सभी सामान उनके मालिकों को सौंपे गए। गया में एक निर्माण स्थल पर नक्सलियों ने किया हमला, ट्रैक्टर और जेसीबी समेत 6 मशीनों से लगाई आग। नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर वारदात को दिया अंजाम, घटनास्थल पर घोड़ा पर्चा। आगरा के एतमादुल दौला इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली के रजौरी गार्डन में तैनात 54 साल के एएसआई की जाबाजी से गिरफ्त में आया बदमाश, लेकिन जाबाज एएसआई अवधेश की टूट गई दो हड्डियां।
दो बदमाश रात के वक्त राजौरी गार्डन इलाके में एक शख्स से कर रहे थे लूटपाट, दोनों से अकेले भिड़ गए थे एसआई अवधेश, गिरने पर भी एक बदमाश को नहीं छोड़ा। तरन तारण में 11वीं के छात्र की हत्या, हॉरर किलिंग की आशंका। औरंगाबाद पुलिस ने चर्चित ख्वाजा घौरी हत्याकांड में उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार, तीन लड़कियों की शिकायत पर सामने आया था मामला। लड़कियों ने ख्वाजा घौरी हत्याकांड में पुलिस से प्रताड़ना और घूसखोरी का लगाया था आरोप, पूछताछ के लिए कमिश्नर ने तीनों को तलब किया। यूपी के कौशाम्बी में बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक और युवती को मारी गोली, पुलिस घायलों से पूछताछ के बाद बदमाशों की तलाश में जुटी। सागर के में काले हिरण का शिकार का सनसनीखेज मामला, पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी रणजी का क्रिकेटर। सितारों की महफिल में गुस्साए ने लोगों ने मजा किया करके रहा, प्रोग्राम न देख पाने से नाराज लोगों ने मीडिया की गाड़ियों पर उतारा गुस्सा। राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी, मुगल रोड पर हुई बंद। देहरादून में साफ नजर आने लगी है मौसम की बदलती रंगत, आकाश में अभी से दिखने लगा है बसंत का सुरमई नजारा। आज कोलकाता में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के कॉन्सर्ट का आयोजन, शाम 5 बजे सजेगी गजल की महफिल। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में गूंजेंगे गुलाम अली के सुर, इससे पहले मुंबई में शिवसेना ने नहीं होने दिया था कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज, इस मौके पर पुणे में रामदेव के योग शिविर का आयोजन, शिविर में हिस्सा ले रहे हजारों लोग सीखेंगे सूर्य नमस्कार। वजीर के मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन ने साथी अभिनेताओं के अभिनय को सराहा, कहा बेहतर कलाकारों के बीच और निर्भय है और जिस तरह निर्भरता है अभिनय। इराक की राजधानी बगदाद में मॉल में घुसकर आईएसआईएस का आत्मघाती हमला, कम से कम 18 लोगों की मौत, 40 जख्मी। मेक्सिको ने जारी किया ड्रग्स माफिया गजमैन की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ऑपरेशन का वीडियो, मकान के भीतर फायरिंग करते दिख रहे मरीन। अमेरिका के मिशिगन में झगड़ा करते हुए दो भाइयों की कार पुलिस वैन से टकराई, पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी वीडियो। अमेरिका के ह्यूस्टन में 71 मंजिला इमारत से दो मजदूरों को किया गया रेस्क्यू, शीशा साफ करने गए थे मजदूर। लंदन में गायक डेविड बोवी को हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, 69 साल की उम्र में बोवी का हुआ था निधन। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के और बहुत खास माने जाते हैं। Hmm.